हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सेक्रेटेरिएट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई टैरोट कार्ड रीडिंग है, आपकी महिला शत्रु आपके लिए क्या सोचती है, चलिए देखते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, आपको सिर्फ मैसेज के जरिए ही मुझे कॉन्टेक्ट करना है, इतना याद रखें। चलिए देखते हैं, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स बताइए उनकी महिला शत्रु उनके लिए क्या सोचती है। मैंने ये कार्ड जानबूझकर लिए है जिससे इससे ज़्यादा जानकारी मिलेगी कि वो आखिर आपके लिए सोचती क्या है। हर एक को उनके जो सोच है आपको लेकर वो इससे पता चल जाएगी। कंप्लीसेंसी फर्स्ट कार्ड, नाइस। मेरिकल ग्रोथ, रिकवरी। ओके, तो रिलीज, पॉजिटिविटी बनी हुई है आपके लिए। क्विस्ट, आप अच्छा कर सकते हो ये उनको पता है। सर्विस, कंप्लीशन, लेकिन तोड़ दिया जाए तो फिर इस तरीके की उनकी सोच है। फसाद, प्रेयर, विक्टिम, वही है। परस्यूरेंस, ओके। बॉटम ट्रैक हमारे पास है परफेक्शन, वही है जो उनको दिक्कत है आपको लेकर, परफेक्शन की। यस, तो यहाँ जो साइन आए हैं फर्स्ट वो है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो 70% है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस 80% है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस 50% है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी नॉर्मली 50% ही है। ओके, ये जो एनर्जी बहुत ही लो और नॉर्मली आई है, इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि आपकी महिला शत्रु आपको लेकर एक अलग लेवल का सोच रखती है। उनका दिलो दिमाग में आपको लेकर बहुत ज़्यादा ही नफरत है, ईर्ष्या है, जलन है, वो यहाँ नज़र आते हैं, क्योंकि आपके कार्ड ही इस तरीके के आए हैं वन बाय वन। इस तरीके से है कि उनकी सोच बार बार आपको लेकर कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर बदलती रहती है। यहाँ पॉजिटिव होती है ऐसा तो नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में कहा कि वो पॉजिटिव उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर आता है कि आप कर सकते हो, आप बहुत पॉजिटिव हो, आप चाहे तो सब कुछ कर जाओगे, मुझे भी हरा सकते हो, ये उनके दिलो दिमाग में आता है। लेकिन वो अपने आप को बताती है कि आपको वो मैं करने ही नहीं दूंगी। इस तरीके का उनकी सोच है आपको लेकर, आपको मैं तोड़ दूंगी, आपको मैं कमज़ोर कर दूंगी, तो आप नहीं आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि उनको पता है, महिला, आपके जो भी महिला शत्रु है उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आपके पास आपकी हर एक सिचुएशन का जवाब है, आप बहुत पॉजिटिव और एक्टिव पर्सन हो, आप चाहो वो अपने जीवन में पा सकते हो, कर सकते हो, और मुझे भी हरा सकते हो, इसकी चाबी भी आपके पास है। और इस वजह से वो बार बार आपके जीवन में कुछ ना कुछ क्वेश्चन खड़े करती रहती है, ये बात आपको भी पता है। फर्स्ट कार्ड है कंप्लीसेंसी, इसका मतलब ये होता है कि वो आपके जीवन में बार बार एक आप भय में जिए, डर में जिए, ये कोशिश हमेशा उनकी लगातार होती रहती है। मेडिकल के साथ सर्विस ने क्लैरिफाई किया है, इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि मैं आपके जीवन में किसी भी तरह का डर खड़ा करूँगी, तभी आप डरोगे, तभी आप कहीं ना कहीं डर से कमज़ोर पड़ोगे, टूट जाओगे, ये उनकी सोच है।
जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं हेल्थ इशू खड़े करती है, कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में कुछ चीज़ें जो अच्छी चल रही है उसको ख़राब करने की कोशिश करती है। और बहुत सारे ऐसे जीवन में उन्होंने आपको दुर्दशा बताई है, या यूं कहो कि बार बार तकलीफ हुई, बार बार उन्होंने आपको दी है, जिसकी वजह से आप सह ना पाओ, कमज़ोर पड़ जाओ और आप पेशेंस खो दो और अपने तरीके से पूरे तरीके से हार जाओ। ये उनके कम्प्लीशन की एनर्जी है। वो आपको मिरेकल से कम्प्लीशन की एनर्जी में लाना चाहते हो। अब मैं आपके बारे में कहना चाहती हूँ, आप एक मिरेकल हो, इतना याद रखो। चाहे आपके महिला शत्रु आपको लेकर कितनी भी नफरत और ईर्ष्या और कितना भी बुरी सोच आपको लेकर रखती हो, लेकिन आप एक मिरेकल पर्सन हो। यानी आपके जीवन में जो कुछ भी होता है वो कहीं ना कहीं आपको कुछ सीखा कर जाता है, ये आपको भी पता है। और कहीं ना कहीं ये जो महिला शत्रु आपके जीवन में टांग अड़ाने की कोशिश कर रही है, बहुत सारी तकलीफें देने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपके भगवान ने, आपके जो भी आप गॉड में मानते हो, उन्होंने आपकी हमेशा रक्षा की है, इतना याद रखिए। इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि आप एक मिरेकल पर्सन हो। आपके जीवन में सब कुछ आपके जो भी भगवान है उसके मुताबिक होता है। ये जो महिला शत्रु है उसके मुताबिक कुछ नहीं होता है, इतना जान लो। आपके जीवन में जो छोटी छोटी तकलीफें आ रही है वो आपको कहीं हद तक बड़ी तकलीफ भी लग सकती है, लेकिन बड़ी तकलीफ आपके गॉड, आपके जो भी भगवान है, वो आप तक आने ही नहीं देते हैं, इतना याद रखिए। वो हर तरीके से आपको रक्षा कर रहे हैं, आपको हर तरीके से बचाव कर रहे हैं, सुरक्षित रख रहे हैं। इस वजह से आप ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स कहिए। बाकी यहाँ उनकी सोच आपको लेकर बहुत ज़्यादा नबड़ी है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। वो कुछ ज़्यादा ही अपने आप को स्ट्रांग मानती है, इस वजह से उनको आपको लेकर हमेशा बुरा ही सोचना है। इस वजह से वो कम्प्लीशन की एनर्जी में आपको लाना चाहती है। कम्प्लीशन का मतलब भी यही होता है कि एक पर्सन, एक इंसान पूरी तरीके से टूट जाए, बिखर जाए, उसके सारे सपने टूट जाए, हर तरीके से वो अपना एक नाम पहचान भुला दे, सब कुछ ख़त्म हो जाए। इस तरीके की एनर्जी उनकी है, जो इस तरीके से वो सोचती है। लेकिन उनके सोचने से कुछ होने वाला नहीं है, भगवान जो चाहते हैं वही सब कुछ होता है। तो इनकी सोच कैसी भी हो, इतनी बुरी है इनकी सोच, फिर भी हमेशा आप ही जीते हो। यहाँ ग्रोथ के साथ फसाद आया है, इसका मतलब ये होता है कि उनकी सोच कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ को रोकने की है। इस वजह से उनके पड़ाव हमेशा कुछ ना कुछ कांटे बिछाने के होते हैं, तो आपकी ग्रोथ में वो बार बार कांटे बिछाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से रिकवरी एंड प्रेयर की एनर्जी। तो वही है कि आपकी ग्रोथ में किसी भी तरह की रुकावट ना आए, इसका गॉड हमेशा ख्याल रखते हैं। और आपको कहीं ना कहीं आपके क्लू, सॉल्यूशन ज़रूर देते हैं पूरी तरीके से। आपके जो भी आंसर चाहिए वो आंसर गॉड लेकर ही रहते हैं। आपकी सिचुएशन चाहे कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी खराब हो, कितनी भी खतरनाक हो, फिर भी गॉड सॉल्यूशन लाते हैं, उसको हर तरीके से रिकवर कर देते हैं, हर तरीके से उसको सॉल्व कर देते हैं, इतना याद रखिए। और आपका विश्वास बहुत ही ज़्यादा पक्का है, आपका खुद के ऊपर विश्वास और गॉड के प्रति विश्वास दोनों ही अटल है। इस वजह से आपको अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। बाकी उन्होंने हर तरीके से कोई कसर नहीं छोड़ी है आपको गिराने की, तोड़ने की, हर तरीके से उन्होंने कोशिश की है। वो चाहती है कि आप रिकवर ही ना कर पाए, आपका विश्वास गॉड से उठ जाए, इस तरीके की भी उनकी कोशिश हमेशा रही है। और ये उनकी सोच लगातार आपके दिल में बिठाने की रहती है कि आप गॉड के ऊपर बिलीव करना छोड़ दें, इस तरीके की सोच भी है उनकी। यहाँ रिलीज एंड विक्टिम एंड क्वेस्ट एंड परसिवरेंस है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो आपकी महिला शत्रु है वो कहीं ना कहीं दूसरों के सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती है। कहीं ना कहीं आप दूसरों की नज़रों से गिर जाओ, दूसरों को समझ में नहीं आओ, दूसरे लोग आपके ऊपर एक गिन यानी एक अच्छी तरीके से आपके साथ बिहेव नहीं करे, आपके ऊपर गुस्सा करे, आपसे नाराज़ रहे,
कुछ ना कुछ आपको बोल कर चले जाए, इस तरीके की उनकी एक एनर्जी है। कहीं ना कहीं ये जो महिला शत्रु है वो चाहती है कि लोग आपको नफरत करें, नफरत की नज़र से देखें, इस तरीके की उनकी सोच है। लेकिन लास्ट है क्वेस्ट एंड परस्यूरेंस। यहाँ जो कुछ भी होता है वो गॉड की मर्जी से होता है। चाहे आपकी महिला शत्रु कितना भी गंदा या एक बहुत ही खराब सोच आपको लेकर बुरी सोच रखती हो, लेकिन उसके मुताबिक तो कुछ होने वाला नहीं है, इतना याद रखे। तो वही है कि गॉड के मुताबिक ही सारे जवाब आपको मिलेंगे। चाहे उनके सवाल यानी आपके महिला शत्रु के कितने भी बुरे विचार आपको लेकर हो, लेकिन आपको जवाब हमेशा भगवान से, गॉड से सही ही मिलेगा, इतना याद रखे। इस वजह से यहाँ लास्ट कार्ड परफेक्शन आया है। और मैंने आगे भी कहा था कि चाहे ये महिला शत्रु आपको लेकर कितना भी बुरा सोच ले कि आपके जीवन में कुछ भी परफेक्ट नहीं हो सकता है, इस तरीके की कोशिश मेरी लगातार होती रहेगी, इस तरीके की उनकी सोच है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब ध्यान से कार्ड को देखो तो पहले एक एक लेडीज़ का फेस है, उसके अंदर भी एक लेडीज़ का फेस है। तो यस, डेफिनेटली यहाँ यही है कि वो अपने तरीके से कितनी भी ख़राब सोच आपको लेकर रखे, लेकिन आपके जीवन में पॉजिटिविटी बनाए रखने की, गॉड की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके जीवन में बनी रहेगी, इतना याद रखिए। चाहे उनकी कितनी भी बुरी सोच हो, लेकिन उनको भी मन में पता है, दिल से पता है कि गॉड आपको कुछ नहीं होने देंगे। मतलब उनको भी कहीं ना कहीं ये बात अच्छी तरीके से पता है कि गॉड उनके साथ है। इस वजह से मेरे जो भी कार्य उनके लेकर मैं कर रही हूँ वो असर नहीं होते हैं या कम असर होते हैं, ये बात उनको फिक्स तरीके से पता है। और क्या है, चले देखते हैं। थ्री ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, सिक्स ऑफ कप। तो यहाँ वो ये भी सोचती है कि आप कहीं आगे ना बढ़ जाओ, वो तो आप आगे बढ़ने ही वाले हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। दी टावर, नाइट ऑफ कप, जजमेंट एंड नाइन ऑफ कप की एनर्जी आ गई है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, एन एस ऑफ एंड वेरी नाइस एनर्जी। उनकी सोच चाहे आपको लेकर कितनी भी बुरी हो रही हो, लेकिन आप ही हमेशा जीत रहे हो, ये शायद आपको भी पता है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी लास्ट में आई है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ फर्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ एंड, इसका मतलब ये होता है कि आप जो कुछ भी कोशिश करते हो उसमें वो अड़चने लाती है, ये आपको भी पता है। चाहे आप छोटी कोशिश करते हो, बड़ी कोशिश करते हो, या कोई भी कार्य करने की कोशिश करते हो, तो उसमें वो कहीं ना कहीं दखलंदाजी उनकी होती ही होती है। इस वजह से आपके छोटे छोटे कार्यों में भी रुकावटें बनती है, आती है, ये बार बार आपने देखा है। लेकिन टेम्परेंस और टावर ने क्लैरिफाई किया है, तो यहाँ ये जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अपने तरीके से जो एक वातावरण आपका ख़राब करने की कोशिश करती है, लेकिन हमेशा गॉड आपके से पहले सामना करते हैं उन रुकावटों का, जिसकी वजह से आपके तक जो भी समस्या आ रही होती है वो टल जाती है या रुक जाती है। आपके पास जो भी समस्याएं आती हैं वो कम आती है, यानी बहुत ही एक आपके ऊपर ज़्यादा असर ना डाले, इस तरीके से आती है। तो वो ये बहुत अच्छी बात है कि गॉड हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ध्यान रखते हैं कि आप तक बहुत ही बड़ी समस्या आनी देनी नहीं ही चाहिए। इस वजह से वो कहीं ना कहीं हर तरीके से आपको ध्यान दे रहे हैं। यहाँ सिक्स ऑफ सॉर्ड एंड जिस तरीके की एनर्जी आई है, इसका मतलब ये होता है कि उनकी सोच तो बहुत ज़्यादा ही नीच है, बहुत ज़्यादा। आप हमेशा अपने तरीके से अकेले पड़ जाओ, अकेले रह जाओ, आपके परिवार के लोग आपको सपोर्ट ना करें, हर तरीके से सभी की नज़र नफरत से आपको लोग देखें, और हर तरीके से किसी का भी आपको सपोर्ट ना मिले, आप अकेले रह जाए,
और हर तरीके का विश्वास आपका टूट जाए, इस तरीके की सोच उनकी है। और कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोगों की यहाँ एनर्जी आ रही है कि आपका विश्वास भरोसा कहीं ना कहीं टूट गया है। बहुत सारे लोगों के साथ आपका एक रिश्ता भी टूट चुका है, रिश्ते भी खराब हो गए हैं। और कहीं ना कहीं ये भी नज़र आ रहा है कि ये जो महिला शत्रु है उनके बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, इस वजह से अब आप रिश्तों में भी एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए तो चल ही रहे हो, लेकिन ध्यान दे रहे हो कि मेरी वजह से मेरे आसपास के जो भी रिश्ते हैं उसको समस्या ना आए, उसको कहीं ना कहीं वो हर्ट ना करे, ये भी आपको डर है। इस वजह से आप ज़्यादातर किसी के साथ ज़्यादा बातचीत भी नहीं कर रहे हो, ऐसा भी यहाँ नज़र आता है। तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में रहना चाहते हो, आपकी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसका भी आप ध्यान रख रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। हेड्स अप, तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि आप अपने तरीके से जो कोशिश कर रहे हो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको रिश्तों को अच्छी तरीके से संजोना है, इसका भी आप ध्यान रख रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनके साथ भी कभी कभी अपने एक रिश्ते को अच्छा निभाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि गॉड आपके साथ है, वो कुछ नहीं होने देंगे, इतना ध्यान रखिए। बाकी आप जिस तरीके से चल रहे हो बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हो, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है, लेकिन आपको अकेले नहीं पड़ना है, आपको सभी के साथ घुल मिलकर रहना है, चाहे कितनी भी समस्याएं आ रही हो, आपका बिलीव आपके ऊपर रखना है और गॉड के ऊपर रखना है, बाकी सब कुछ गॉड संभाल लेंगे। और आपका जो विश्वास कहीं ना कहीं टूटा है, इसको बिल्डअप करने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, इतना याद रखें। तो आपको अपने विश्वास को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरे लोग लाइफ में जो आसपास के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं अनजान ज़रूर होते हैं, लेकिन अच्छे होते हैं। जो नज़दीकी लोग होते हैं, जिनको हम जानते होते हैं, पहचानते होते हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर आपका जो अविश्वास है वो नॉर्मल है। इसको बहुत ज़्यादा एक खास या स्पेशल तरीके से ना लीजिए। यहाँ मैं यही कहूँगी, आपको शांति से काम लेना चाहिए और आपको अपने विश्वास को बिल्डअप करना है, यानी खड़ा करना है कि आप सभी के साथ घुल मिल कर रह सकते हैं, आपको कोई बाल भी नहीं बाका कर सकता है, आपका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है, इतना याद रखें। ये विश्वास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप अपने आप को ग्रो कर पाएंगे और आप हमेशा जजमेंट की पोजीशन में रहेंगे, ये मैं आपको कहना चाहती हूँ। तो आपकी महिला शत्रु आपको लेकर हर तरीके से यही सोचती है। सिक्स अप यहाँ शॉर्ट की एनर्जी है, नाइन अप कप की एनर्जी है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो फुलफिलमेंट आपको मिलने वाली है, मिल रही है, इससे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो इसका ध्यान रखिए कि वो ये सब कुछ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आपकी महिला शत्रु आपको लेकर कैसी भी सोच रखकर वो कितना भी आपके जीवन में तूफान खड़े करने की भी कोशिश क्यों ना करे, लेकिन जो आपको मिलना है वो तो मिलकर ही रहेगा, वो कोई नहीं रोक सकता है, इतना याद रखिए। इस वजह से लास्ट में एनर्जी आई है अपॉर्चुनिटी की, एस ऑफ वैंड, यानी आप अपने तहे दिल से जो कुछ भी चाहोगे आपके जीवन में वो आपको मिलकर ही रहेगा। इसमें ये महिला शत्रु जो कोई भी है, जो आपके बहुत ही ज़्यादा गंदा या घिनौना या कुछ भी गलत सोच रही है, वो उनकी जो चालें हैं वो बिल्कुल भी आपके ऊपर असर होने वाले नहीं है, क्योंकि आपका जो दिल प्योर है, प्योर हार्टेड तरीके से आप जो कुछ भी चाहोगे वो आपको मिलकर रहेगा, इतना याद रखिए। इस वजह से लास्ट में सिक्स ऑफ कप है, यानी फुलफिलमेंट, यानी हर तरीके से इक्वल सब जो आप चाहोगे वो सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। लास्ट में काढ़ा है किंग ऑफ पेंटिकल, इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपकी ये जो महिला शत्रु है वो पैसों के ऊपर ज़्यादा वार करती है, ये बात आपने भी बार बार देखी होगी, नोटिस किया होगा, लेकिन उसमें ये बात में ज़रूर मक्कमता से दृढ़ निश्चय से कहूँगी कि आपके जीवन में वैसे फिर भी पैसे बनते हैं, इतना याद रखिए। चाहे आपकी महिला शत्रु कितनी भी टांग अड़ाने की कोशिश करे, लेकिन आपके जीवन में पैसे बनते हैं, पैसे आते हैं, चाहे वो खर्च हो जाते हैं, लेकिन कहीं से भी पैसे बनते हैं और आते ज़रूर है, इतना याद रखिए। और ये सब कुछ गॉड की ब्लेसिंग्स है, आप जो भी गॉड में मानते हो वो आपकी हर तरीके से प्रोटेक्शन दे रहे हैं और वो आपको हर तरीके से ख्याल रख रहे हैं, तो आपको कोई तोड़ नहीं सकता है। इस वजह से मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा था कि आप एक मिरेकल पर्सन हो,
आपकी महिला शत्रु चाहे आपको कितना भी बुरा करने की कोशिश करे, कितना भी उखाड़ने की कोशिश करे, वो कुछ नहीं कर पाएगी। उनकी सोच तो बुरी है ही, लेकिन उनकी जो चालें हैं, उनकी जो करतूतें हैं या हरकतें हैं, वो भी कहीं ना कहीं गलत है। और हर तरीके से आपके जीवन में उनकी एक दखल अंदाजी हमेशा होती रहती है, ये बात आप भी अच्छे तरीके से जानते हो। फिर भी वो आपको कुछ नहीं खराब कर पाएगी, कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगी, इतना याद रखिए। ये है रीडिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, लव यू, बाय।